मैं इस सर आप हमारा थंबनेल देख के मेरे लाड लो, आप समझ गए होंगे जो आज का जो सेशन चलेगा करंट अफेयर्स का, आपके कंपटीशन के एग्जाम में ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। देखिए करंट अफेयर्स में स्टेटिक्स जी के बहुत ही ज़्यादा पूछते हैं, तो हम गौर फरमाते हैं करंट अफेयर्स की ओर आते हैं जी। तो याद रखिएगा, हाल ही में 2022 की घटना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश, कौन कोर्ट बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट है ना, किस शहर को सबसे ऊंची इमारत, सबसे ऊंची इमारत जो था ना किस शहर में था, तो याद रखिए नोएडा। ये कहाँ पर बाबू, उत्तर मतलब उत्तर प्रदेश। और कौन टावर, ट्विन टावर्स, याद रखिएगा ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत याद क्या किया, इसको गिरा दिया गया। किसको, ट्विन टावर को गिरा दिया गया जी। इसको ये जो है ना ट्विन टावर है, इसको बनाने में जो खर्चा लगा था ना लगभग 300 करोड़। कितना करोड़ बता रहे, 300 करोड़। अच्छा देखो, बनाने में जिसको जितना लगता है ना, गिराने में भी समय उसी तरह लगता है। आज इसको गिराने में लगभग जाता है 17.55 करोड़ का खर्चा बताया। कितना बोले, 17.55 करोड़ का खर्चा बताया। क्या सिर्फ गिराने के लिए, किसको, ट्विन टावर को। क्वेश्चन पूछ देगा कि ट्विन टावर कहाँ स्थित है, तो नोएडा में। ये नोएडा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में जी। अच्छा इसको विस्फोटक जो गिराने के लिए जो प्रयोग किया गया ना, 3700 किलोग्राम का। कितना बोले, 3700 केजी। कितना केजी बता रहे, 3700 किलोग्राम। कौन सा टावर बताया, ट्विन टावर है जी। हाँ हमारा चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जी। और आते हाल ही में परमाणु परीक्षण के खिलाफ, देखिए परमाणु के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया जाता है। ये कब मनाया गया, 29 अगस्त को। कब मनाया गया, 29 अगस्त को। और याद रखिएगा मेरे लाडलो, एसबीआई के जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई के जो जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ है, उसका नाम है किशोर कुमार पोलूदास। क्या नाम बोले, किशोर कुमार पोलूदास। किशोर कुमार क्या बोले, किशोर कुमार पोलूदास, याद रखिएगा, एसबीआई के जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ है। आप हमें कमेंट में बताओगे कि एसबीआई का स्थापना कब हुआ था, किसका बोले, एसबीआई का स्थापना कब हुआ था जी। हाँ तो अभी जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी एंड सीईओ कौन है, किशोर कुमार पोलूदास। याद रखिएगा इंफोसिस जो आईटी कंपनी है, इसके जो सीईओ है सलील पारेख। क्या नाम बोले, सलील पारेख। कौन कंपनी है, आईटी कंपनी है जी। याद रखिएगा मेरे लाडलो, दक्षिण भारत का सबसे लोकप्रिय त्यौहार, दक्षिण भारत की जब भी बात करेंगे तो याद रखना केरल है ना, वहाँ के जो लोकप्रिय त्यौहार जो है ना ओणम उत्सव मनाया गया। और ओणम उत्सव कहाँ मनाया गया, केरल में मनाया गया। कहाँ पर मनाया गया, केरल में। मसाला का बगीचा, क्या बोले बेटा, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, केरल को कहा जाता है। और ये जो केरल है ना सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। क्या बोले, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है कौन, केरल। अब मसालों की रानी किसे कहा जाता है, तो केरल को कहा जाता है जी। और याद रखिएगा मेरे लाडलो कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरा करने वाला, देखो 950 को विकेट लेने वाला तेज गेंदबाज जो बना है, उसका नाम है जेम्स एडरसन। क्या नाम बोले, जेम्स एडरसन। कितना, 950 विकेट लेने वाले। कितना बोले, ये जेम्स एडरसन याद रखिएगा किस देश का निवासी था, कमेंट में बताना कौन, जेम्स एडरसन किस देश का निवासी था, आप हमें कमेंट में बताओगे। याद रखिएगा मेरे लाडलो, हाल ही में राजस्थान तकनीकी यूनिवर्सिटी, राजस्थान की बात करें तो तकनीकी मतलब कोटा जाता ना सब, कहाँ पे, कोटा पे तैयारी करने, तो कुलपति जो नियुक्त किया प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह, कौन सा प्रोफेसर को, संतोष कुमार सिंह को, याद रखिएगा वहां का कुलपति बनाया गया, कहाँ के, कोटा का। कोटा का कौन सा, राजस्थान तकनीकी यूनिवर्सिटी जी। और याद रखिएगा मेरे लाडलो, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट, भारत के जो राष्ट्रीय खेल है ना बाबू, हॉकी है, भूलो से क्रिकेट में समझ लेना, हॉकी भारत का क्या है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। और हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 होता है रे चला, 11 खिलाड़ी। एक सवाल पूछा हुआ है, क्या हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, किसका जादूगर बोले, हॉकी का जादूगर, तो मेजर ध्यानचंद को, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को।
कहा था कि मेजर ध्यानचंद जब हॉकी से मारता था ना स्टिक से रपरपा के, तो स्टिक में ऐसे बॉल फंस जाता था ना, लगता था कई बार था ऐसे क्या हुआ कि उसको फाड़ के देखता था कि कहीं पर लोहा तो नहीं लगा है, चुंबक तो नहीं लगा हुआ है, इतना खतरनाक खेल कैसे लेता कौन। मेजर ध्यानचंद, तुम अपने खेल के पक्के खिलाड़ी तो बनो, पक्का जीत के जाओगे जी। उसके बाद आते हैं कि हाल ही में याद रखिएगा सुल्तान अजलन सा जो है ना हॉकी से संबंध है, ये कहां पर खेला जाएगा, मलेशिया में खेला गया, कहां पर, मलेशिया में, याद रखिएगा। और हाल ही में याद रखिएगा वर्ल्ड राइनो डे, कौन सा बताया, वर्ल्ड राइनो डे मतलब गेंडा दिवस, याद रखिएगा 22 सितंबर को प्रत्येक साल बनाया जाता है। अच्छा, 5 प्रकार की गेंडा की जाति होती है, कितने प्रकार का बताया, 5 प्रकार की गेंडा की क्या होती है, जाति होती है, उसको जागरूकता बढ़ाने के लिए, जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रत्येक साल 22 सितंबर को मनाया जाता है, कौन सा डे, वर्ल्ड राइनो डे। हमारा चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, थैंक यू।